हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइज, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलक। सो गाइज, आज बज चुके हैं 12:30, मुझे लग रहा है उससे भी ऊपर हो चुका है। सुबह से काम इतना हो चुका था, तो संडे भी था। दूसरा ये है कि अच्छे से पूरे क्लीन करना था मुझे आज, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, सो मुझे टाइम नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो अभी टाइम मिला है तो एक वीडियो मुझे बनाना था। सोच रही थी कब से जो जो मैंने आर्ट कर रखी है वो आप लोगों को दिखाऊं, सो वो आज हो गया। तो एक तो और चीज़ मुझे अभी बनाने का टाइम नहीं है, करने का टाइम नहीं है, तो मैंने कहा ये बहुत इजीली मुझे रहेगा कि मैं ये सब चीज़ें आपको जो बनाई हुई चीज़ें हैं मेरी, मैं आप लोगों को एक बार इनसे भी रूबरू करवा दूँ। सो गाइस, सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि जितनी चीज़ें मैं घर पे बनाती रहती हूँ, जो भी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, वो आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ, ठीक है? आप लोगों को मैं बताते रहती हूँ, आप लोगों को पता है। तो आज मैं जो पुराने मेरे व्यूज़ हैं उनको तो पता होगा, जो नए नए जुड़े हैं उनको आजकल मैं बीच में ना ये ड्राइंग आर्ट्स वगैरह चीज़ें नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं हो रहा। बेटी अब पहले छोटी थी तो सो जाती थी, अब बड़ी हो गई है तो सोती नहीं है, परेशान बहुत करके रखती है। ये देखो उसने ये भी निकाल दिया, टेढ़ा कर दिया। तो सबसे पहले ये मेरा एंट्री गेट है गाइस, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बना रखा है, ठीक है? यहाँ पे स्विच बोर्ड था तो इसके ऊपर मैंने पांडा बना दिए बलून पकड़े हुए, ठीक है? ये काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने न्यू बनाया था ऐसे ही कि कैसे लगेगा, नॉर्मली बच्चे की तरह, मुझे ज़्यादा आता कुछ नहीं है, ऐसे ही बना दिया मैंने। तो दूसरी चीज़ आपको दिखाती हूँ कि ये तो मैंने दिखाई रखा है, ठीक है, ये मैंने बना दिया। और तीसरी चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरी खिड़कियाँ हैं जैसी, तो यहाँ पे ना बड़ा प्यारा सा पेंगुइन बना दिया, एक तितली बना दी, और ये छोटा सा मतलब फ्लावर बना दिया, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर मैंने ऐसे करके चिड़िया के घोंसले लटका दिए, ठीक है? ये मैंने नॉर्मली यहाँ पे तितलियाँ लग दी बना दी मतलब चिपका दी दीवार पे। और उसके बाद आती है मेरी ये सामने वाली दीवार जिस पे मैंने ये अच्छा सा मतलब गुलदस्ता बना दिया, जो मेरी लंबाई से भी ऊपर बना रखा है मैंने। सो ये बहुत ही सुंदर लगता है मुझे इस वाली दीवार पे। अगर हम इस साइड को बैठे ना, जैसे हम इस साइड को बैठे हैं तो ये चीज़ सामने इधर दिख जाए, ठीक है? तो जैसे ये सामने दिखती है बड़ी सुंदर लगता है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं पास लेके जाऊँ तो सबसे क्यूट लगती है ये वाली बटरफ्लाई, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है बनी है। और ये देखिए, ये भी काफ़ी स्टाइलिश वाली बनी है, ये तो खाका के मोटी हो रखी है। पर ये जो मेरे आइडिया आया है ना ये वाले फ्लावर का, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं यार, बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब नॉर्मली आइडिया ऐसे आ गया मेरे माइंड में तो मैंने बना दिया, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर दूर ले जाओ ना गाइस दूर से और इसकी झलक बड़ी सुंदर आती है, ये देखिए, ठीक है? और ये जो मतलब ऐसे मुझे आइडिया आया ना, जो इसका मटका बना नीचे वाला, वो काफ़ी अच्छा बना मुझसे। मुझे मतलब इतनी मुझे आता नहीं है, पर जब मैंने खुद का बनाया हुआ देखा, मैंने कहा यार चलो अच्छा बनाया, इतना भी बेकार नहीं बनाया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसको। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो लग रहा है कि चिपका रखा हो दीवार पे ऐसा कुछ, जितने लोग भी आते हैं ना बोलते हैं चिपका रखा है, नहीं मैंने कहा यार बना रखा है मैंने, डर लगती है लोग बोलेंगे यार मजाक करेंगे यार कैसा सा बना रखा है, पर जो समय आया उस समय मैंने वैसे बना दिया, ठीक है? पर ठीक ठाक लगता है। और चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद बनाए मैंने यहाँ पे ये चीज़, जैसे एंट्री इधर को दूसरे वाले कमरे में करती हूँ, ये छोटा सा कमरा है, तो ये बटरफ्लाई बना दी, इसके ऊपर दो पेंगुइन बना दिए, ये भी काफ़ी मतलब ऐसे ही बना दिया मैंने, इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था तो ऐसे ही बना दिया। और उसके बाद ये शीशे का आता है जो मैंने बनाया है, ये आधा छुप जाता है इसमें, ये बड़ा शीशा लग गया ना, पहले छोटा था तो बड़ा सुंदर लगता था, इसमें छींटे मेरी बेटी की कार है वही करती है ऐसे काम। ये देखिए ऐसे करके बना रखा था मैंने कॉर्नर पे, अगर ऐसे करके दिखाऊँ तो ऐसे वाला बड़ा सुंदर लग रहा था ये, ठीक है? और ये भी मैंने ये वाला स्विच है
यहाँ पे ये ऐसे ही बना दिए फटाफट से, ये भी थोड़ा दिखने में ठीक लगे करके। एक स्टिच के ऊपर बना दिया नॉर्मल सा, ये इसका बंदर लटक रहा है। और ये दूसरे जो बेडरूम है उसका है, सामने बनाया मैंने ये वाला, दिखाया भी था आप लोगों को, वीडियो भी बनाई थी इसकी, ये वाली बटरफ्लाई और एक ये वाली बटरफ्लाई। और ये इस तरीके से दिखता है दिखने में, ठीक है। तो और तो मैं आ गई बाहर के कमरे में। गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज दो दिन से जो बाहर की धूप आ रही है ना गाइज़, बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा। तो बाय बाय गाइज़।